स्टार्ट। दिन दिन वड्डी गिनती विच नौजवानां दा तंबाकू नोशी वल वध रहा रुझान चिंता दा विशा है। तंबाकू उद्योगां दा निशाना भी ए नवीं पीढ़ी है, जिस नूं गाहक बनाउण लई हर ढंग तरीका अख्तियार कीता जा रहा है। छोटी उम्र दे बच्चां नूं आकर्षित करन लई वख वख स्वाद अते खुशबू बखेरदे धुआं रहित तंबाकू उत्पाद बाजार विच उतारे जा रहे हन। तंबाकू कारण हर साल 8 मिलियन लोग मौत दे शिकार हुंदे हन। माहिरां वल्लों यह भी खुलासा किया गया है कि तंबाकू नोशी करन वालियां नूं करोना वर्गी गंभीर बीमारी होण दी संभावना भी वधेरे हो सकती है। डंडिंग यही कारण है कि तंबाकू दी वरतों करन वालियां लई इह समां तंबाकू छड्डण दा सुनहरी मौका भी कहा जा रहा है, पर यह किसी चुनौती तो घट नहीं। डंडिंग तंबाकू छड्डण दे लाभ तंबाकू छड्डण दे फायदे लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं। तंबाकू नोशी छड्डण दे सिर्फ 20 मिनटां बाद ही तुहाडे दिल धड़कन दी रफ्तार घट जाती है। 12 घंटिया दे अंदर तुहाडे खून विच कार्बन मोनोआक्साइड दा पद्धर सधारण हो जाता है। 2-12 हफ्तिया दे दरम्यान तुहाडे लहू गेड़ विच सुधार हुंदा है ते फेफड़िया दे काम विच सुधार भी हुंदा है। 1-9 महीनिया दे अंदर खंघ अते साह दी कमी घट जाती है। 5-15 सालां दे अंदर तुहाडे दौरा पैण दा जोखम 1 तंबाकूनोशी करन वाले दे मुकाबले घट हो जाता है। होर तां होर तंबाकू छड्डण नाल जिथे तुहाडी दिख ते शख्सियत प्रभावशाली नज़र आउंदी है, उत्थे ही अनेकां मानसिक समाजिक परिवारिक अते आर्थिक फायदे भी हुंदे हन। डंडिंग तंबाकू दे हानिकारक प्रभावां अते तंबाकू तो बचे रहन लई जरूरत उत्ते जिन्नी गंभीरता नाल ध्यान दिता जाना चाहिदा है उन्ना नहीं दिता गया। डंडिंग सूबे विच तंबाकू दे इस्तेमाल करन विच भावें पुरशां दी गिनती ज़्यादा है, पर हुण छोटी उम्र वर्ग दे नौजवानां दा तंबाकू प्रयोग करना पंजाब लई खतरे दी घंटी बनदा जा रहा है। डंडिंग किवें लगती है तंबाकू दी लत? तंबाकू विच पाए जाण वाले तत् निकोटीन दी नशे दी लत लगाउण दी समर्था अफीम जां कोकीन तो ज़्यादा है, जिस कारण लोग तंबाकू दे आदि हो जाते हैं अते फिर ओ होर तरह तरह दे तंबाकू दा प्रयोग शुरू कर दिंदे हन। डंडिंग निकोटीन दी वरतों तंबाकू विच कई तरह नाल कीती जांदी है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, पान, जर्दा, खैनी, गुटखा, तंबाकू उत्पाद आम प्रयोग दे तरीके हन। डंडी जापदा है भारत सरकार सोशल मीडिया तो डरी हुई है, ता ही उसने सोशल मीडिया कंपनियां नूं ड्रोन दा काम आरंभिया है। डंडिंग जिवें जिवें सोशल मीडिया दी पहुँच दूर दुराडे दे इलाकियां तक हुंदी गई अते ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इस नाल जुड़दे गए, उवें ही इस ते कंट्रोल दियां
कोशिशां तेज़ हुंदियां गईयां डंडी। ट्विटर इंडिया दे दफ्तर ते दिल्ली पुलिस दे छापे इस कोशिश दी एक कड़ी है डंडी। मीडिया रिपोर्टां अनुसार भारत सरकार ने 6 महीनों विच ट्विटर नू 23-67 नोटिस भेजे हन डंडी। असल विच सोशल मीडिया ते लोग खुल के अपनी गल कह रहे हन डंडी। सरकार ले बिजली मीडिया नू कंट्रोल करना सौखा है डंडी, पर सोशल मीडिया नू कंट्रोल करना औखा है। ता ही सरकार ने पहला नवे दिशा निर्देश जारी किए। हुण सीधा कंपनियां दे दफ्तरां विच छापे मार के उन्हां नूं डराउण दी कोशिश कीती जा रही है। डंडी परा डेरा सिरसा मुखी नू हरियाणा सरकार ने एक जां दो दिन दी पैरोल ते रिहा कीता सी ताके ओ गुरुग्राम विच अपने बीमार मां नू मिल सके। डंडी उस दी पैरोल दे मामले नू गुप्त रख्या गया। डंडी उस नू रोहतक दी सुनियारी जेल तों कढ के कुछ दिन पहला ही PGI रोहतक विच रख्या गया सी। डंडी फिर उसनू पैरोल मिली। डंडी ए मामूली गल नहीं है। डंडी इस पिछे एक वड्डी राशि खेड दी तैयारी है। डंडी पाठकां नू याद होवेगा कि किवें 2019 दियां हरियाणा विधानसभा चोणां तों कुछ महीने पहला जेल विच बंद ओम प्रकाश चुटाला नू पैरोल मिलनी शुरू हुई सी। पैरोल ते छुट के उस ने खूब रैलियां कीतियां सन। डंडी उस तरह अगले साल फरवरी मार्च विच होण वालियां पंजाब विधानसभा चोणां तों पहला डेरा सिरसा मुखी नू पैरोल मिली है। डंडी भाजपा नू पता है कि इस बार जट सिख किसानां वल्लों उन्हां नू वोटां नहीं मिलणगियां। डंडी ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੌਕਸੀ ਨਰਮਾਈ ਫੁਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਖੜ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸੋ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਡੰਡੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਛੂਤ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸੱਜਰੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ
बहुत संख्या विच अते बड़ी तेजी नाल वधदे हन अते पीण वाले दे शरीर विच जाके बीमारियां पैदा करदे हन। डंडी कई बारी दुध चोण वालियां दे हथ साफ नहीं हुंदे अते भांडियां दी सफाई वल भी बहुता ध्यान नहीं दिता जांदा। डंडी ए लोक दुध चोण समय अपनियां गंदियां उंगलां नूं दुध दियां पहलियां धारां नाल गिला कर लैंदे हन के दुध सौखी तरह चोया जावे। डंडी अजिहा करन नाल गंदे हथ अते थन दुध दे भांडे विच धोते जांदे हन अते सारा दुध मलीन अते रोग युक्त कटाणुआं वाला हो जांदा है। डंडी इस लई पशुआं दे रहण दा वातावरण साफ सुथरा होना चाहिदा है अते उन्हां दे थणां नूं चंगी तरह धोता जाना चाहिदा है। डंडी दुध चोण वाले दे हथां ते वस्त्रां दी अते दुध पाउण वाले भांडियां दी सफाई वल भी उचेचा ध्यान देना लोड़ींदा है। डंडी इस तों अलावा बहुते लोकां दा दुध चोण दा तरीका भी ठीक नहीं हुंदा। डंडी ए आम तौर ते थण नूं हथ दियां चार उंगलां नाल फड़ के अते अंगूठे नूं तली वल मोड़ के दुध चोंदे हन। डंडी अजिहा करन नाल थण दे उपरले भाग ते अंगूठे दी गंढ दा वधेरे जोर अते दबाव पैंदा है अते दुध दी नाली थन दी जड़ दे नेड़ों मोटी हो जांदी है जिस नाल थन विच एक किस्म दी गंढ जही पै जांदी है। डंडी हौली हौली थन खराब हो के बिल्कुल बंद हो जांदा है। डंडी फिर अनजान लोक पंछियां दे खंभां दियां डंडियां जां गंदे सरकंडे आदि थन अंदर कुसेड़ के लेवे दा बिल्कुल सत्यानाश कर दिंदे हन अते पशु नूं भी बेहद तकलीफ हुंदी है। डंडी पशु भी साढ़े वांग प्यार ते हमदर्दी चाहुंदे हन अते उन्हां नाल कदे भी कठोर ते जालम विहार नहीं करना चाहिदा। डंडी बेजबान पशु रुखा सुखा घा फूस खा के सानू दुध रूपी अमृत बख्शदे हन। डंडी इस लई दुध नूं हर तरह की छूत अते गंदगी तो सुरक्षित रखने लई इस दी उचित संभाल बहुत जरूरी है। डंडी इस तरह करके ये ना केवल मिट्टी घट्टे ते मैल कुचैल तो बचिया रहेगा सगों दुध वर्गे संपूर्ण अते संतुलित आहार दा पूरा पूरा फायदा लिया जा सकता है अते ये सचमुच अमृतमई हो सकता है। डंडी फ्रांस देश इंग्लैंड दे बहुत नेड़े है। डंडी इंग्लिश चैनल नामी एक छोटा समुंदर इंग्लैंड अते फ्रांस विचकार स्थित है। डंडी दोहां देशां दी आपसी दूरी घट करन दे उद्देश नाल इंग्लिश चैनल विच एक ट्यूब नामी गोल सुरंग विछाई गई है। डंडी समुंदर विच तैरदी इस गोल सुरंग विच रेलवे लाइन बनाई गई है। डंडी ए रेलवे लाइन भी ट्यूब दे नाम नाल मशहूर है। डंडी फ्रांसीसी अते अंग्रेज लोक इस अनोखी रेलवे लाइन राही सफ़र करना बेहद पसंद करते हैं। डंडी फ्रांस बारे एक पुरातन कथा है कि फ्रांस देश दे बादशाह लुई दे राज समय अंग्रेज़ां ने फ्रांस ते हमला कर दिता अते फ्रांस नूं हरा के उसनों अपना गुलाम बना लिया। डंडी फ्रांस दे फौजी जरनैलां ने भी हार मन ली परंतु फ्रांस दी एक निडर अते हौसले वाली लड़की जॉन ऑफ आर्क बादशाह लुई नूं जा मिली। डंडी उसने दलीलां
ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਈ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਜੌਨ ਆਫ ਆਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਡੰਡੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਪਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਜੌਨ ਆਫ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਡੰਡੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚਰਚ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੱਠੀ ਤਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਤੰਜਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਨਾਮ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਨਾਮ ਰਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਨਾਮ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ? ਡੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ BCG ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਵੀਫਲੂ ਅਤੇ ਰੈਮਡਰਸ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਨ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਡੰਡੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ
एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन दे चेयरमैन एन के अरोड़ा ने कहा कि 18-44 साल वालों नूं वैक्सीन लाने का फैसला राजसी से डंडिंग ए समूह भारत सरकार नूं सलाह देने लई बनिया है। डंडिंग सीरम इंस्टीट्यूट दे कार्यकारी निर्देशक सुरेश यादव ने भी कहा है कि सरकार ने बिना सोचे समझे ही 18 से 45 साल वालियां ले टीकाकरण की इजाजत दिती है, जदों के उस नूं पता सी कि इन्नी मात्रा विच टीके उपलब्ध नहीं हन। डंडी केंद्र विच सेहत सकत्तर रही के सुजाता ने हैरानी प्रगट करदिया कहा कि इस तो पहला हर महामारी दे समय दवाई अते वैक्सीन दा बंदोबस्त भारत सरकार ने किया है। डंडी ए पहली बार है कि सरकार ने इस तरह महामारी दे समय राज्यां सिर जिम्मेवारी सिट दिती है। डंडी कि केंद्र सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਡੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ 50% ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੰਡੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 2,14,00,000 ਟਨ ਅਨਾਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1979 ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,00,000,000 ਟਨ ਅਨਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,50,000,000 ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90,00,000 ਟਨ ਰਾਖਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 60,00,000 ਟਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ
पहले कुछ हफ्तियां विच कणक दी खरीद दा टीचा पूरा ना होण बारे डर पैदा हो गया सी कि हालांकि इस साल फसल बहुत चंगी हुई है। डंडी अनाज दे थोक व्यापारी सरकारी मशीनरी दी नरम नीति तो अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए काफ़ी कणक 140 तो लैके 150 रुपए प्रति क्विंटल दे पा ते खरीदण विच सफल हो गए सन। डंडी जबकि सरकारी भा 130 रुपए है। डंडी इस विचों कुछ अनाज उन्होंने महाराष्ट्र गुजरात अते होर इलाकियां नूं भेज दिता है। डंडी पुराने जमाने विच वड्डे लोक एक दूजे नूं उपाधियां दिंदे सन। डंडी अंग्रेज़ अते उस तो पहला मुगल सरकारां भी अपने वफादार लोकां नूं उपाधियां जां पदवियां दिंदियां सन। डंडी इतिहास दे विद्यार्थियों नूं पता होवेगा कि सुभाष चंद्र बोस नूं नेता जी दी उपाधि किस ने दित्ती। मोहनदास करमचंद गांधी नूं महात्मा दी उपाधि किसने दित्ती अते जवाहर लाल नहरू नूं चाचा दी उपाधि किस तरह मिली। डंडी पर अजकल पता नहीं इस तरह दियां उपाधियां कौन वंड रहा है जां लोक खुद ही अपने नां नाल उपाधि लगा रहे हन। डंडी जिवें पहला अपने नां नाल श्री श्री लगाउण वाले रवि शंकर ने हुण अपने नां नाल गुरुदेव दी उपाधि लगा ली है। डंडी इस तरह योग नूं धंधा बनाउण वाले रामदेव ने अपने नाम नाल स्वामी लगा लिया है। डंडी इस तरह जग्गी वासुदेव अपने आप नूं सतगुरु अखवा रहा है। डंडी परा तंबाकू दी वरतों नाल नुकसान हर साल भारत विच 7 लाख तो वध लोकां दी मौत दा कारण तंबाकू दा आवाज़ करना है। डंडी भारत विच होण वाला औसतन अधे कैंसरां दा कारण तंबाकू है। डंडी मूँह गला भोजन नाली संवर यंत्र फेफड़े पिता मूत्र थैली अते लिंग दे कैंसर दा कारण भी तंबाकू दा इस्तेमाल पाया गया है। डंडी दिल दे दौरे अते होर दिल दियां बीमारियां दा भी तंबाकू ही कारण बनदा है। डंडी तंबाकू नपुंसकता अते पुरशां विच शुक्राणुआं दी ताकत विच गिरावट दा कारण भी हो सकदा है। डंडी गर्भ अवस्था दौरान मां द्वारा तंबाकू दे इस्तेमाल नाल गर्भ विच बच्चे दे विकास विच कमी गर्भपात बच्चे दी मौत समय तों पहलां जन्म अते पैदा हुए बच्चे विच लंबे समय तक रहण वाले हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। डंडी फेफड़ियां दे रोग गले दी खराश फेफड़ियां दी इन्फेक्शन जिमें के टीबी नमोनिया आदि तंबाकू पदार्थ लैण वालियां विच ज़्यादा वध गए हैं। डंडी बीड़ी सिगरट पीण वालियां नूं साह दी नाली दे इन्फेक्शन दमे दी बीमारी दा विगड़ना अते फेफड़ियां दी काम करन दी शक्ति घट हो जाण दा कारण बनदा है। डंडी तंबाकू दे इस्तेमाल नाल मूँह विच सफेद अते लाल धब्बे हो सकते हैं अते सरल जिस विच
रोगी पूरी तरह मुँह नहीं खोल सकता वर्गे रोग हो सकते हैं जो कि मुँह के कैंसर विच बदल सकते हैं। डंडी तंबाकू दे इस्तेमाल कारण चमड़ी ते झुरड़ियाँ दंदा अते नोहां ते तब्बे अते मुँह तो बदबू दुर्गंध आउण दी समस्या हो सकती है। डंडी टीकाकरण वास्ते टीके सदा ही भारत सरकार वल्लों भेजे जाते रहे हैं। डंडी पर कोविड विच केंद्र ने यह जिम्मेवारी अपने गलों ला के सूबियां दे गल पा दित्ती अते कीमत भी सूबियां लई दुगनी करके प्राइवेट कंपनी नूं हजारां करोड़ां दी लुट करन दी खुल दे दित्ती। डंडी आश्चर्य यह है कि अजे भी किन्नियां खुराकां किस सूबे नूं मिलणगियां ते उस ने किन्नियां खुराकां किस मकसद वास्ते उम्र गुट वास्ते वरतनियां हन उह केंद्र तय करदा है। डंडी धन दी वंड इस तरह धन दी वंड उपर भी नज़र मारनी बनती है तां कि साडे संगी ढांचे दे हशर दी तस्वीर साढ़े सामने आ जावे। डंडी केंद्र सरकार ने सूबा आफत राहत प्रबंध कोष अते राष्ट्रीय आफत राहत कोष विचों 28 सूबियां नूं कुल 31,500 करोड़ रुपए की राशि वंडी। डंडी इस विचों 210 करोड़ की राशि 10 सूबियां नूं वंडी जिन्हां विच शामिल हन मध्य प्रदेश 37.12 करोड़ महाराष्ट्र 36.42 करोड़ पच्छमी बंगाल 32.61 बिहार 26.71 उड़ीसा 21.04 उत्तर प्रदेश 19.33 आंध्रा 17.76 कर्नाटक 14.80 गुजरात 13.24 ते तमिलनाडु 13.07 करोड़। डंडी सूबा राहत कोष दा मिलिया पैसा किमें वरतना है ये भी केंद्र सरकार ने तय किया है। डंडी केंद्र दे हुक्म मुताबक इस विचों अद्धा पैसा ही कोविड दी रोकथाम ते प्रबंध वास्ते खर्चन दी मंजूरी दित्ती गई है। डंडी एमरजेंसी प्रतिक्रिया अते सेहत प्रणालियां दी कोविड विरुद्ध लड़ाई दी स्कीम तहत तैयारी वास्ते केंद्र वल्लों 2 पड़ावां विच 59.78 करोड़ रुपए 31 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं 2020-21 विच मंजूर किए गए सन ते पहली किस्त पूरी जारी कर दिती है अते दूजी अजे अद्धी जारी की गई है। डंडी इस वंड विच भी पंजाब नाल हरियाणे दे मुकाबले वितकरा किया गया है जबकि पंजाब विच हरियाणे नालों गंभीर केस भी ज़्यादा हन ते मौतां भी वध हन पर हरियाणे नूं पहली ते दूजी किश्त दे कुल 138 करोड़ मंजूर किए गए जबकि पंजाब नूं उस तों करीब 7 करोड़ घट दी राशि 131.13 करोड़ मंजूर होए। डंडी पंजाब दी आबादी 3.02 करोड़ है जबकि हरियाणे दी 2.93 करोड़ है। डंडी जे देश भर दा हिसाब वेखिए तां कुल 59.78 करोड़ विचों पंजाब नूं 2.19% राशि अलाट की गई है जबकि अक्टूबर 2020 दे अनुमानित आबादी मुताबक पंजाब दी आबादी देश दा 2.23% है। डंडी